नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल कपूरथला के बारे में। तो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं, ये वीडियो पंजाब वालों के लिए, पंजाब जो जिन बच्चों ने क्लास 6th और क्लास 9th के लिए सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया था, इस वीडियो में हम लोग उनके रिजल्ट्स की बात करेंगे, मेरिट लिस्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे इंटरव्यू डेट जो है वो नहीं दी गई है। मैं आपको बता दूं, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में सैनिक स्कूल है, 20 फरवरी से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी इस वीडियो को चेक करना है, पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। इसमें आपको अपने बच्चे का रोल नंबर चेक करना है। और सैनिक स्कूल कपूरथला के बारे में आपको बता दूं, 1,31,000 रुपये यहाँ की फीस है और 67% जो कोटा होता है वो पंजाब वालों के लिए होता है। तो अगर आप पंजाब से हैं तो सैनिक स्कूल कपूरथला आपके लिए, और बहुत ही मिनिमम फीस में आप अपने बच्चों को एनडीए के लिए तैयारी करवा सकते हो सैनिक स्कूल कपूरथला के माध्यम से। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं 6th क्लास का रिजल्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी वालों की लिस्ट बनाई गई है। तो इस टोटल 54 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है एससी कैटेगरी में। और ऐसे ही अगर हम लोग 6th क्लास की बात करें एसटी कैटेगरी में, तो टोटल सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। इन सभी बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पर इन बच्चों का चयन किया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे होम जर्नल कैटेगरी की, यानी ये वो बच्चे हैं जो जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं। टोटल 184 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, 184 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है और इन बच्चों को इन्वाइट किया जाएगा मेडिकल एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो होम डिफेंस है। होम डिफेंस का मतलब वो बच्चे हैं जिनके फादर पंजाब से बिलोंग करते हैं, डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। टोटल 48 बच्चों को सेलेक्ट किया गया। ऐसे अगर हम लोग बात करें अदर जनरल कैटेगरी से, यानी ये वो बच्चे हैं जो आउटसाइड पंजाब से हैं, तो ऐसे टोटल 31 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। यूपी से हैं कुछ बच्चे, जो यूपी से हैं जिन्होंने कपूरथला के लिए अप्लाई किया था, कुछ बच्चे बिहार से हैं जिन्होंने सैनिक स्कूल कपूरथला के लिए अप्लाई किया था, कुछ राजस्थान से और कुछ एमपी से हैं। तो टोटल 31 बच्चे हैं। अब इनमें से कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। अगर अदर स्टेट डिफेंस की बात करें, तो ये वो बच्चे हैं जो कि पंजाब से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी अदर स्टेट से डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऐसे 24 बच्चे हैं। और इन 24 बच्चों का मेडिकल किया जाएगा और इनमें से कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसे ही 9th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। एससी कैटेगरी में सिर्फ 15 बच्चों को सेलेक्ट किया गया। आपको पता होना चाहिए कि 9th क्लास में सीट्स बहुत कम होती है, मुश्किल से 15 से 20 सीटें होती है सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब में। एसटी कैटेगरी से सिर्फ 6 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, होम जर्नल से सिर्फ 34 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, और ऐसे ही जो नेक्स्ट है वो होम डिफेंस कैटेगरी से सिर्फ और सिर्फ 12 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 9th क्लास में सीट्स बहुत कम होती है। और अदर जर्नल कैटेगरी से सिर्फ 18 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है और अदर डिफेंस कैटेगरी से सिर्फ 6 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन डेट विल बी इंटीमेटेड ऑन स्कूल वेबसाइट। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट और मेडिकल एग्जाम की जो डेट है वो अभी तक यहाँ पे नहीं दी गई, स्कूल वेबसाइट पे इंटीमेट की जाएगी। आप डायरेक्टली सैनिक स्कूल कपूरथला पे की वेबसाइट पे जा करके चेक कर सकते हैं। जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको कॉल लेटर भेजा जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो बच्चे एलिजिबल है उनको कॉल लेटर भेजा जाएगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर एडमिशन, दोज इन वेटिंग लिस्ट विल बी नोटिफाइड आफ्टर कंडक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, जो बच्चे एलिजिबल हो चुके हैं उनको नोटिफाई किया जाएगा, उनको मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन भेजी जाएगी। वेबसाइट पे आपको लगातार जुड़े रहना है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको ध्यान देना है, और ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी ताकि जो पंजाब के लोग हैं वो अपने बच्चों का रिजल्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे स्कूल का स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरा है, 60 बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर आप हमारे स्कूल से अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं सिर्फ 1,10,000 रुपये में, तो आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है जल्दी से जल्दी। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 7419999228 पर कॉल करके आप
स्कॉलरशिप के फॉर्म की सारी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, हमारे स्कूल का एड्रेस मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है व्हाट्सएप पे अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको मेरिट लिस्ट के बारे में जानकारी सही समय पर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।